दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है और आप उसको हटाना चाहते हो, तो दोस्तों आप उसको कैसे हटा सकते हो सिर्फ दो मिनट में, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ दोस्तों सिर्फ दो मिनट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो चुटकी बजाकर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि दो तरीके बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपने वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कैसे एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा ना आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। एंड आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए हमें सबसे पहले अपने YouTube स्टूडियो को क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। देन इसके बाद हमें लिखना है सर्च बार में YouTubeStudio.com, यहाँ पर लिखना है studio.youtube.com। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ studio.youtube.com, आपको लिख कर यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा साइन इन, इस साइन इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो करेगा, तो यहाँ पर प्रोसेस होने देना है। ठीक है, तो प्रोसेस होने के बाद आपको जो YouTube स्टूडियो है वो यहाँ पर खुल जाएगा आपके क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, तो YouTube स्टूडियो आप देख सकते हो मेरे क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर खुल गया है। देर हमें कॉपीराइट क्लेम हटाना है, तो जिस वीडियो से हमें कॉपीराइट क्लेम हटाना है उस वीडियो को पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। तो वीडियो सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा कंटेंट का, तो इस कंटेंट के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा जो जितने वीडियो है वो सारा का सारा वीडियो यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे वीडियो कौन किस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। देख सकते हो मेरे इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो इस वीडियो से हम कॉपीराइट क्लेम हटाएंगे। तो मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो से हम कैसे कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको पहले हम ओपन कर लेंगे। तो उसके लिए क्लिक कर लेते हैं इस पर। ओपन करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे आपका जो वीडियो है वहाँ पे शो कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो YouTube वॉच हिस्ट्री डिलीट कैसे करें। ठीक है, वही है, इस पर हमें आ गया कॉपीराइट क्लेम। इस पर कॉपीराइट क्लेम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देख सकते हो, देन यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पर लिखा हुआ है द कंटेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो डज नॉट इफेक्ट योर चैनल। आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट क्लेम से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि मैंने शुरू में बताया हुआ था। तो यहाँ पर आप चलिए जान लेते हैं कि आप कैसे तीन तरीकों से चार तरीकों से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो चुटकियों में। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करना, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। चौथा ऑप्शन बाद में आता है, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन जो है ट्रिम एंड सेगमेंट। तो चलिए ट्रिम एंड सेगमेंट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, इससे आप कैसे हटा सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर आपको देख सकते हो क्लिक करने में आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितना जो ये ब्लू वाला जो रेक्टेंगुलर शेप है वो हमारा कॉपीराइट क्लेम आया है उतने पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा जो उतना पार्ट है वो वीडियो से कट जाएगा और हमारे वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में। जो दूसरा तरीका है वो है रिप्लेस सॉन्ग। हम अपने सॉन्ग को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे साउंड का देख सकते हो, यहाँ पे म्यूज़िक का ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक की लगा सकते हो जो रेड वाला पार्ट है उसमें। ठीक है, तो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो बहुत ही आसानी से। बट अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो एक और महा आसान ये ट्रिक है, उससे भी आप कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो। जो तीसरा तरीका है वो है म्यूट का। आप अपने वीडियो को म्यूट कर सकते हो, उस पार्ट को उतना जितना पार्ट है इस पार्ट को म्यूट कर सकते हो, तो कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। चलिए मैं इस पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने में आपको यहाँ पर म्यूट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हो हमारा जो वीडियो का जो पार्ट है वो म्यूट हो जाएगा। देन कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा रिफ्रेश करके कि आप कैसे कि कॉपीराइट क्लेम हटा है कि नहीं हटा है। तो चलिए मैं पहले बैक हो जाता हूँ यहाँ से। तो बैक होने के बाद मैं आपको रिफ्रेश करके फिर दिखाऊंगा मैं आपको बाद में कि कॉपीराइट क्लेम हटा है कि नहीं हटा है। ठीक है, देन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपीराइट क्लेम हटा है या नहीं हटा है। यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो वीडियो का जो कॉपीराइट क्लेम है वो सक्सेसफुली यहाँ से हट चुका है। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हो रिस्ट्रिक्शंस नॉन है, पहले यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ था लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन नॉन है। तो इन तीन तरीकों का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक कर दो। तो गाइस आई होप आपको कॉपीराइट क्लेम को हटाना आ गया होगा, अगर आ गया तो कमेंट में लिखकर बताइए। एंड कैसा लगा वीडियो वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों में, और चैनल पर नया हो तो गाइस प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ से वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे और वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।